अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारा मैच था और मैं हमेशा की तरह लेट था। मैं लेट उठा तो मैं जल्दी से फ्रेश होकर अपने मैच के लिए निकल गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। तो घर से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्मोक थी और इसीलिए सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने अपर पहना हुआ था। तो हम ग्राउंड के लिए निकल रहे हैं, अभी हम बाहर से जाकर बूढ़ा पिक करेंगे और उस पर बैठकर ग्राउंड के लिए चले जाएंगे। अभी हम यहाँ से लोगोगो क्रिकेट ग्राउंड जाएंगे, वहाँ से हम सारी टीम बैठकर अंतिबे ग्राउंड जाएंगे। अभी 2000 रुपये में बूढ़ा वाले को पिक करके मैं लोगोगो क्रिकेट ग्राउंड के लिए निकल गया था। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फोग है, सुबह टाइम काफ़ी ज़्यादा फोग थी, आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और ये हम पहुँच चुके थे लोगोगो क्रिकेट ग्राउंड। मैं भी परेशान हो रहा था कि मैं लेट हूँ, लेकिन मैं अभी आप देख सकते हैं कोई भी नहीं पहुँचा था, मैं पहले पहुँच गया था। मैं भी परेशान हो रहा था कि मैं लेट हूँ। तो अभी मैं ऊपर सीढ़ियाँ से ऊपर बस खड़ी थी, तो मैं उधर जाकर अपनी बस में बैठूँगा। ये आप देख सकते हैं मैं बस में बैठ चुका हूँ अपनी टीम के साथ और मैं बहुत जल्दी पहुँच चुका था। मैं ही परेशान हो रहा था कि मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन मैं लेट नहीं हुआ था। सो अभी हम टीम बैठकर थोड़ी देर के लिए निकल जाएंगे। सब प्लेयर्स अब आगे, तो हम अपने अंतिबे के लिए निकल चुके थे। अब भाई जान युगांडा की ब्यूटी का भी अपना लेवल है, मैं फ़ैन हो गया हूँ युगांडा का। माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्यूटी है युगांडा की, बहुत खूबसूरत मनाजिर मिलते हैं यहाँ देखने को। ए फ्यू मिनट्स लेटर, सो अभी हम पहुंच चुके थे अंतिबे क्रिकेट ग्राउंड में। सो हमने इसके बारे में सुना था कि ये युगांडा का सबसे अच्छा ग्राउंड है और सबसे बड़ा ग्राउंड है। सो अभी हम उतर गए हैं, हम देखेंगे ये कैसा ग्राउंड है। जी जनाब, हमने जैसा सुना था वैसा ही पाया ग्राउंड को, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत ग्राउंड था और यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारे बादल आए हुए थे और ग्राउंड काफ़ी बड़ा था जो देखने में बहुत अच्छा था। तो ये है ग्राउंड का पवेलियन जहाँ पे दोनों टीम्स बैठकर अपना मैच एंजॉय करेंगे। ये हम अपने पवेलियन में एंटर होकर अपना सामान वगैरह रखकर अपनी किट्स वगैरह चेंज करेंगे। और ये हमारा नाश्ता ग्रीन टी और मिल्क टी होती है, उसके साथ ब्रेड बटर और सलाद होती है और साथ में एग्स होते हैं, साथ में पराठा भी होते हैं, लेकिन मैं वो नहीं खाता, मैं सिर्फ ब्रेड और सलाद यूज़ करता हूँ, साथ में बटर और साथ में एग्स और चाय। आप देख सकते हैं कि खाना खल्लास करने के बाद ये मैं, और ये जनाब ग्राउंड हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैंने सुना था इसके बारे में कि ये बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, सो आज मैंने देख भी लिया, ये वाकई में बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। मैं आगे भी 2-3 ग्राउंड्स में खेलना हूँ, लेकिन इसका अपना एक अलग लेवल है। अभी हम जा रहे हैं विकेट की तरफ। ये आप देख सकते हैं विकेट काफ़ी रफ विकेट लग रहा है, लेकिन स्पिनर्स की सपोर्ट करेगा। फास्ट बॉलर मुझे भी सपोर्ट किया था शुरू वाले ओवर्स में। सो हमने मैच टॉस हो गया, हमारी पहले बॉलिंग थी, तो हमने बॉलिंग करते हुए 80 पर ऑल आउट कर दिया उस टीम को। मैं जैसा आपको बताया, मैं क्रिकेट के टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करता। तो हम फील्डिंग करने के बाद बाहर आ चुके थे और दो हमारी बैटिंग लाइन अंदर जा चुकी थी। 81 का टारगेट था हमें, जो कि हमें उम्मीद थी कि हम ईजिली चेस कर जाएंगे। ये हम मैच देख रहे थे और साथ साथ अपनी जो एनर्जी ख़त्म हुई थी वो पूरी कर रहे थे। अभी मुखी भाई ने मुझे ये एनर्जी कैप्सूल या एनर्जी टैबलेट कह सकते हैं, जो उन्होंने मुझे दिया कि आप ये ट्राई करो, आप पानी में डालकर, ये गोली होती है, इसे पानी में डालते हैं, ये खुद ही पानी में मिक्स होती है और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की थी, एनर्जी ड्रिंक के तौर पर यूज़ होती है। तो मैंने ऐसा ही किया, पानी में डालकर रख दी और जैसे ही ये मिक्स होगी हम आपको दिखाएँगे। और ये है वो एनर्जी टैबलेट्स जो कि फास्ट एंड अप रीलोड एनर्जी टैबलेट्स हैं। सो एक कम थी तो मुगी भाई ने कहा एक और डालो, तो मैंने दूसरी भी उसमें डाली और उसका कलर काफ़ी अच्छा हो चुका था। अभी हम मिक्स करने के बाद इसे टेस्ट करेंगे। यहाँ ये मिक्स हो चुकी है और इसका कलर आप देख सकते हैं। अभी हम इसे टेस्ट करेंगे, जो कि टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। अभी हम सारी टीम बैठे मैच इंजॉय कर रहे हैं अपना। ये कुछ मस्तियां करते हुए हम टीममेट्स, वो लड़के को चोट लगी थी तो उसे मरहम लगा रहे थे और उसे तंग कर रहे थे। अर्जुना गिव मी इंटरव्यू, ये मैं अर्जुना से इंटरव्यू कर रहा हूं। व्हाट्स अबाउट टुडे मैच, व्हाट्स अबाउट मी माय बॉलिंग, योर बॉलिंग सम गुड पेस इन द ओपनिंग स्पेल।
ये हम थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे थे और साथ में ये जूस इस बार हमारी टीम का नहीं था आया, तो मुझे इतना पसंद है कि मैंने दूसरी टीम से लेकर पिया। ये जूस काफ़ी मज़े का था। और इसी तरह मैं दूसरी तरफ ग्राउंड्स का टूर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड का व्यू किस कदर आला व्यू है। बहुत अच्छा ग्राउंड था, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है आज का ग्राउंड। उसके साथ ही बिल्कुल गोल्फ़ का ग्राउंड था, जहाँ आप देख सकते हैं कि लोग गोल्फ भी खेल रहे हैं, तो उसी के बिल्कुल सामने हमारा क्रिकेट ग्राउंड था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर अच्छा व्यू आ रहा होगा। तो ये हम मैच इजीली जीत चुके थे, 81 का टारगेट था जो हमने इजीली चेज़ कर दिया था। अभी हम वापसी के लिए निकल रहे थे और सारी टीम आप देख सकते हैं कितनी खुश है। अभी हमारा रास्ते में प्लान था लंच का, तो हम लंच के लिए अभी रुकेंगे और उतरेंगे। अभी हम जाएंगे KFC के लिए, हमारा प्लान KFC का लंच करने का था। तो अभी हम उतरेंगे यहाँ जिस मॉल में हम आए हैं, यहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं NTV आया तो फलकशीर भाई के साथ मैंने यहीं से KFC खाया था। फलकशीर भाई ने मुझे खिलाया था यहाँ से KFC, और सेकंड टाइम मैं अपनी टीम के साथ यहाँ से KFC इंजॉय करूँगा। अभी हम अंदर एंटर हो रहे हैं, यह विक्टोरिया मॉल NTV का, यहाँ से हम KFC ऑर्डर करेंगे। अभी KFC ऑर्डर करने के लिए हम अपने कप्तान फ्रैंको के साथ अंदर जा रहे हैं। फ्रैंको अभी ऑर्डर करेंगे और हम वेट करेंगे ऑर्डर का, जैसे ही रेडी होगा और हम बैठकर खाएंगे। ये आप देख सकते हैं NTV का KFC, और अभी हम बैठकर वेट कर रहे थे। ये बज्जी बाजी हैं और दूसरे भाई का भी मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, नाम मैं पूछना भूल गया था इनसे। तो अभी हम बैठे वेट कर रहे थे। और इसी तरह कारेफोर सुपर मार्केट है यहाँ पे, हमने कहा चलो हम यहाँ पर से भी विज़िट करते हैं, देखते हैं अंदर क्या हिसाब किताब है चीज़ों का और कौन कौन सी चीज़ है। ये हम कारेफोर मार्केट के पास पहुँच चुके थे, यहाँ अंदर एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर किस्म की चीज़, हर किस्म की सहूलत मैसर है यहाँ पर, सब्ज़ियाँ फल हर चीज़ मैसर है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15,000 रुपये के माल्टे, 8,000 रुपये के नींबू, यहाँ पे हज़ारों में बात होती है, 100 में बात नहीं होती। अब 7,000 के प्याज, 8-9,000 के 20,000 का लहसुन, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें सब्ज़ियाँ वगैरह के काफ़ी रेट थे, लेकिन ये युगांडन शेलिंग में थे। और इसी तरह अंडे, दूध, दही, बटर, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है इजीली। इसी तरह फ्रेश जूस, आइसक्रीम्स, ये आइसक्रीम्स हैं आप देख सकते हैं कि हर किस्म की आइसक्रीम यहाँ से अवेलेबल होती है, हर फ्लेवर में, हर साइज़ में। और अभी हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका था, तो हमारे कप्तान ने हमें बाहर बुला लिया। तो हम बाहर जा रहे थे, हमारा प्लान बना था बीच पे जाकर KFC एंजॉय करने का। सो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया कि बीच पर जाने का। सो हमने गाड़ी में बैठ कर खाने का फ़ैसला किया। तो आप देख सकते हैं ये KFC के 2 पीसीस और साथ में फ्राइज़ और साथ में सोडा हमें दिया गया। सो ये पीस आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जूसी है। पाकिस्तान में मैंने ट्राई किया, लेकिन वो जूसी नहीं, वो क्रंची होते हैं। तो मुझे भी यही उम्मीद थी कि ये क्रंची होंगे, लेकिन ये जूसी थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। बहुत ज़्यादा मज़ा है ये खाने का, आप भी देखें, काफ़ी मज़े का था। चेक करें या किस तरह ये जूसी और अंदर से सॉफ्ट था। सो अभी हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे और वापसी अपने घर के लिए आ रहे थे, और साथ में KFC एंजॉय कर रहे थे। भाई जान पहाड़ों के दरमियान KFC खाना, KFC एंजॉय करने का अलग ही मज़ा है। आप सामने व्यू देख सकते हैं, KFC खाना पहाड़ों के दरमियान, ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया पहाड़ों के दरमियान KFC खाने का, फ़र्स्ट टाइम था। ये अभी हम पहुंच चुके थे अपना लोगों को क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पर हम सब ने उतर जाना था और यहीं से अपने अपने घर जाना था। सो मैं बोडा वाले बस से उतरकर बोडा पर बैठकर अपने घर के लिए निकल गया। सो वापसी मैं थक चुका था, तो मैंने मज़ीद वीडियोस नहीं बनाई। तो मैं इधर से उतरकर बोडा लेकर घर पहुंच जाऊंगा, अभी सबको बाय करके और घर के लिए निकल जाऊंगा मैं अपने। ये मैं घर अपने पहुंच चुका था, बहुत थक गया था। सो पूरा दिन बाकी रेस्ट किया, तो रात को हमारा प्लान बना सब पाकिस्तानी भाइयों का वगैरह नेट्स में जाकर नाइट क्रिकेट खेलने का। सो ये नुमान भाई हमें पिक करने के लिए आ चुके थे, हम उनके साथ बैठकर नाइट क्रिकेट के लिए नेट्स के लिए, जो कि चिवाटले शायद, मुझे पक्का नहीं पता, तो उधर हम खेलने के लिए चले गए थे। सो हम रस्ते में हमें नुमान भाई ने पिज़्ज़ा भी टेस्ट करवाया, जो कि काफ़ी मज़े का था। ये हमारे पाकिस्तानी भाई, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने ओपन की है नई शॉप, तो उनका पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी था। और हम नेट के लिए जा रहे थे। A few minutes later, देर बाद हम पहुंच चुके थे अपने नेट्स की तरफ, जहां पे हमने अपना नाइट क्रिकेट इंजॉय करनी थी। अभी हम यहां पहुंचे तो यहां
काले फुटबॉल खेल रहे थे, सो हमारा टाइम अभी नहीं हुआ था। कुछ देर बाद हमारा मैच शुरू हुआ। ये हम सब पाकिस्तानी भाई जुहेब भाई बैठे हुए थे, हम सब पाकिस्तानी कम्युनिटी बैठी नाइट क्रिकेट खेल रहे थे। यह भी हम सारी टीम बैठे हुए हैं। ये फलक शेर भाई बैटिंग कर रहे हैं, ये अभी बैटिंग करेंगे और ये स्टॉप नो करेंगे, चेक किए नो इनका। और ये अभी हम बैठे इंजॉय कर रहे थे नाइट क्रिकेट को, जिसका कि हमें काफ़ी मज़ा आया। हमने इजीली 3-1 से विन की 5 की सीरीज। सो हम ये वापसी के लिए निकल रहे हैं, हम वापसी घर के लिए निकले हैं हनुमान भाई के साथ। हम मैं और वास भाई बाकी हम सब भाई वापसी के लिए निकल रहे हैं नेट से। सो कुछ ही देर बाद हम घर के लिए घर पहुंच जाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे घर जाके। ये हम अपने घर के पास पहुंच चुके हैं, घर का गेट गार्ड ओपन करेगा अभी। सो हम अंदर एंटर होकर अपना आराम से लॉक खोलेंगे और अंदर जाकर सो जाएंगे। हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। सो ये हम डोर ओपन करेंगे, लॉक में से नहीं खुल रहा था, सो भी लॉक खुला। तो हम अंदर एंटर होकर अपना लॉक शॉक दोबारा लगाएंगे और सब अंदर से ताले वगैरह लगा कर और पर्दे आगे करके अभी खिड़की का पर्दा भी आगे करेंगे। सो ये हम पर्दा आगे कर आराम से सो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुका। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।